नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त बड़ी खबर गुजरात की राजकोट से, जहां भीषण अग्निकांड मॉल के गेमिंग जोन में आग लग गई। हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, मृतकों में कई बच्चे शामिल है। हादसे की SIT जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है गुजरात के राजकोट से, जहां भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। मॉल के गेमिंग जोन में भयंकर आग लगी और इस भयंकर आग, इस भीषण आग की चपेट में 27 लोग आ गए हैं। ये देखिए किस तरह से आग की लपटें, ये आग का तांडव मॉल के गेमिंग जोन में देखने के लिए मिला है। ये देखिए तस्वीरें मॉल के अंदर किस तरह से भयंकर आग इस गेमिंग जोन में लगी है, 27 लोगों की मौत। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 की आप देख रहे हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ये देखिए किस तरह से धुआं धुआं पूरा ये गेमिंग जोन बताया जा रहा है। 27 लोग इस आग की चपेट में आ गए, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेमिंग जोन है जहां पर आग लगी है और बड़ी संख्या में वहां पर बच्चे होंगे। 27 लोगों की मौत अब तक इस भीषण आग में। ये देखिए ऊंची ऊंची उठती आग की लपटें और हर तरफ से धुआं धुआं नजर आ रहा है और अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग होगी। तो गुजरात के राजकोट में ये भीषण अग्निकांड, जिसमें कई मासूमों की जान इस अग्निकांड ने लील ली। लगातार आप देख रहे हैं दमकल विभाग के जो तमाम कर्मचारी है आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि 27 लोगों की मौत इस अग्निकांड में। अभी हमारी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो घटनास्थल में अभी भी जो लोग, जो माहिती हमारे पास है उसमें एक व्यक्ति अभी भी गुम है, उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा टीम लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम पूर्ण करेंगे। और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको उनकी देखभाल, उनके जो इलाज है वो हमारी प्राथमिकता है। वो काम पूर्ण करने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं गुजरात से, सीधा आप देख सकते हैं। भूपेंद्र, मुझे लग रहा है आप स्पॉट पर ही मौजूद हैं, जरा मुझे तस्वीरें पहले दिखाइए, इस वक्त क्या हाल है और क्या पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है? और जिस एक लापता शख्स की बात यहाँ पर मंत्री जी कर रहे थे, उसके बारे में कुछ पता चला? बिल्कुल पूजा, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहले वो अपने आप गवाही देंगे कि किस तरह का दर्दनाक हादसा जो है यहां पर हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये वही गेम जोन है जो इस समय पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। आग का तांडव इतना भीषण था कि यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ बर्बादी के निशान जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही, लापरवाही और सिर्फ लापरवाही। और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रशासन और सरकार तमाम जो है वो कुंभकर्णीय नींद में सो रही थी। यहां पर आपको अगर एक लाल पाइप दिखाई दे रही हो तो ये देख सकते हैं कि 2021 में शुरू हुए गेम जोन का फायर इंस्टॉलेशन का काम जो है 4 साल बाद शुरू हुआ है और वो भी नहीं हो पाया था। उसके बावजूद यहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते थे, गेम खेलते थे और अपनी जान को दांव पर लगाते थे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि किस तरह से उनकी जान जो है वो जोखिम में है, क्योंकि जिस तरह जब ये हादसा हुआ तब एक सबसे हास्यास्पद बात यह है कि सरकार भी नींद से जागी और पूरे राज्य भर के गेम जोन को बंद कर दिया। लेकिन ये वो बात है जब सांप निकल गया और आप लकीर पीट रहे हैं, सिर्फ इस तरह की चीज यहां पर देखने को मिली। अब जो है बताया जा रहा है कि 27 लोगों की मौत जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा आया है वो सामने, हालांकि आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जैसे कि कुछ लोग लापता होने की भी बात आपने भी कही और यहां पर भी सुनने को मिल रही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री जो है यहां पर आएंगे, दौरा करने वाले हैं। गृह मंत्री रात से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं, SIT का गठन हो गया है और अब बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय जांच की बात हो रही है। ये जांच की बात
चार साल पहले भी हुई थी जब तक्षशिला कांड हुआ था, 30 से 35 बच्चे ट्यूशन क्लास में मर गए थे आग की चपेट में। यह जांच की बात वडोदरा में भी हुआ था तालाब के अंदर जब 14 से 15 बच्चे डूब के मर गए थे। यह जांच की बात मोरबी में भी हुई थी जब पुल गिर गया था और सैकड़ों लोग मर गए थे। अपनी बात आप कहते रहिए लेकिन सारी तस्वीरें भी दिखाते रहिए, समझ से परे है क्योंकि दर्शकों को जानना जरूरी है कितना भीषण अग्निकांड ये रहा। बिल्कुल, बहुत ही भीषण अग्निकांड था और जिस तरह की लापरवाही यहां पर बरती गई वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अब सिर्फ आपको मलबा दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा हुआ करता था और स्ट्रक्चर भी किस तरह था, सिर्फ पतरे थे, स्पंज थे, प्लाईवुड थे और इसकी वजह यह रही कि आग को फैलने में जरा सी भी देर नहीं लगी। पल झपकते लोग कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और लोग उसकी चपेट में आ गए। बहुत सारे लोगों का दम जो है धुएं से वजह से घुट गया, बहुत सारे लोग जल के भस्म हो गए और मैं बताऊं कि जिस तरह से उनकी बॉडी है जो इतनी जल के खाक हो गई है कि वो पहचान भी नहीं सकते। डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि कौन सी बॉडी किसकी है और किसके परिजन की है और उसके बाद उन्हें सौंपा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दर्दनाक मंजर जो है यहां पर उस वक्त होगा, किस तरह की चीख पुकारे जो चश्मदीद है जो यहां पर बता रहे हैं मंजर के, जब यहां पर हादसा हुआ तो सिर्फ चीख पुकार थी क्योंकि एग्जिट गेट के नाम पर सिर्फ एक 6 फुट का रास्ता था और वहां पर भी लोग नहीं निकल पाए क्योंकि वो आग की चपेट में आ चुका था। किस तरह से लोग जो है वो यहां पर पैसे कमाने की लालच में ये तक नहीं देखते हैं कि अगर वहां उनके पास कोई हादसा होगा, कोई चीज होगी, कोई इस तरह की हड़कंप मचेगा, कोई भगदड़ मचेगी तो लोग जाएंगे कहां, ये भी नहीं सोचते हैं और सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और खास करके कल की अगर मैं बात करूं तो शनिवार था, वीकेंड था, यहां पर एक ऑफर थी जो 400 रुपए में बॉलिंग होती है वो 99 रुपए में रखी गई थी और इसकी वजह से भीड़ और ज्यादा थी। बच्चे थे छोटे छोटे, उनके माँ बाप थे, अभिभावक थे, जवान लड़के थे, वो तमाम लोग इस भीषण आग की भेंट चढ़ गए और अब जो है वो कहा जा रहा है कि आईपीएस शिवास त्रिवेदी की अगुवाई में पूरे इस मामले की जांच होगी। अब तक गिरफ्तारी के नाम पर कहा जा रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 5 FIR की गई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, मालिक को गिरफ्तार किया गया है, संचालक को गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम चीजें आ रही है। लेकिन अतिशयोक्ति यही है ना उपेंद्र की, जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तभी जांच होती है, तभी एनओसी को लेकर उसी तरह के जो तमाम गेम जोन हो या जिस तरह से आपने 4 साल पहले उस हादसे की बात की, ट्यूशन क्लासेस हो, तभी एनओसीज को लेकर जांच भी शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियां होती है। लेकिन इस तरह के हादसे रुकेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है। और मैं साथ ही जानना चाहूंगी आंकड़ा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कल तो यहां पर जो बॉलिंग गेम्स थी उसमें भी भारी डिस्काउंट दिया गया था, कितने बच्चे उसमें मौजूद होंगे, कुछ आंकड़ा सामने आया है, क्योंकि 27 की मौत अब तक बताई जा रही है। बिल्कुल, अभी तक आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 27 का ही बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही है और जो शव है वो इस तरह से जल के खाक हो गए हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। अब डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी शिनाख्त की जाएगी और ऐसे में लोग जो है भगदड़ में किस तरह से एक दूसरे से चिपक भी गए थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब इसमें कितने शव जले हैं, कितने, क्योंकि गठरियों में बांध कर जो है वो शवों को ले जाया गया है। तो ऐसे में अब जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले की छानबीन की जाएगी, उसके बाद सही आंकड़ा जो है वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये घटना घटी और जैसा कि आपने कहा कि घटना हर साल क्यों घटती है, यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि यहां पर हर साल इस तरह के हादसे हो रहे हैं और उसके बावजूद कोई सबक नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है। यहां पर जब ही कुछ देर पहले ही फायर ऑफिसर थे वो बता रहे थे कि इन्होंने अप्लाई नहीं किया था, तो अगर अप्लाई नहीं किया था तो भैया आप क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे, आपका भी फर्ज बनता है। तस्वीरें भी दिखाते रहिए, कौन सी तस्वीरें भी दिखाते रहिए जो है मौजूद है जिसमें लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी बिल्कुल मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। इस समय यहाँ पर पुलिस का पूरा एक महकमा जो है वो यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अब एक एक बारीकी से जांच की जा रही है, तमाम चीजों की पड़ताल की जा रही है, फॉरेंसिक लैब वाले जो है वो भी तमाम चीजें की यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि हादसा कितना भीषण था, कितना दर्दनाक था, कोई चीज साबुत नहीं बची है। आप देख सकती है कि किस तरह से सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, जेसीबी आपको अंदर दिखाई रही है क्योंकि कोई चीज साबुत नहीं है। और ये स्ट्रक्चर पूरा इतना खोखला था, इस तरह से था कि यहां पर कोई ऐसा भी कोना नहीं था कि वहां जाके कोई शख्स जो अपनी जान बचा ले, क्योंकि आग इतनी
तेजी से फैली है क्योंकि प्लाईवुड, पतरा, इसके अलावा स्पंज, क्योंकि गेमिंग जोन था और सारी की सारी चीजें डेकोरेटिव तौर पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं थी। एक चीज यहां पर यह भी है कि जो लोग आए थे उन्होंने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर कहीं भगदड़ मस्ती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो कहां से भागेंगे। फायर सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, 4 साल हो गए थे इस गेमिंग जोन को चलते हुए और उसके बाद इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था और यहां पर कोई इस तरह की क्या कहते हैं कि जांच पड़ताल भी नहीं की गई थी, कोई इस तरह का निगरानी भी नहीं की गई थी कि आगे अभी पीछे कुछ अधिकारी दिख रहे हैं तो ये कौन सी टीम यहां पर मौजूद है इस वक्त भूपेंद्र? वो निगरानी में रहते हैं, ये तमाम लोग जो है पुलिस प्रशासन के लोग हैं। इसके अलावा क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर कुछ ही देर में, बताया जा रहा है कि वो भी दौरा करेंगे, रात को गृह मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और चूंकि इतना बड़ा हादसा है और तमाम जो फॉरेंसिक लैब के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा फायर सेफ्टी के अधिकारी जो है, चीफ फायर ऑफिसर भी अभी यहाँ पर मौजूद थे, अब सब लोग आ जाएंगे। अब चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो जितने भी विभाग होंगे, चाहे उनका ताल्लुक हो ना हो, सब पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक किसी को ये जगह नजर नहीं आई। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों अब तमाम लोग पहुंच रहे हैं लेकिन अब से पहले इनको ये जगह क्यों नहीं दिखाई दी, जब इतनी जाने चली गई उसके बाद तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं, जांच की जाएगी। हर बार जैसा होता है एक तरीका, बिल्कुल सवाल ये भी है कि फायर सेफ्टी मेजर्स यहां पर नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल मजबूत नहीं है, 4 साल से यहां चल रहा है, एनओसी ऐसी जगह में मिल कैसे जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है।